दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट। आज के टॉपिक में आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस बताने वाला हूं। वीडियो ज़रूर आप लोग देखना, ठीक है। वीडियो यहां पर जो है बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। यदि आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों को हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आप देख रहे हैं टेक्निकल संजू फर्स्ट, ठीक है। ये हमारा चैनल है ऑफिशियल, और आप सभी लोग यहाँ पर आइए, अपना पार्टिसिपेट कीजिए, और आप लोगों को यहाँ पर गिफ्ट भी मिलता रहता है। मैं साथ ही साथ बताते चलूँ, यहाँ पर मैंने बहुत सारे गिव अवे किए हैं और बहुत सारे लोगों को मैसेज पहुँचा भी और बहुत सारे लोगों को नहीं पहुँच पाया, सॉरी। और यहाँ पर देखा जाता है कि हमने पिछले जो वीडियो डाले थे बिजनेस के लिए, उन लोगों का कुछ कमेंट आया था और कुछ बाकी रह गए थे। कुछ लोगों ने तो फ़ोन पे ईमेल मैसेज किया, तो यहाँ पर उन लोगों को बता दूं कि बिजनेस है कपड़े का। जिन्होंने कपड़े का रिक्वायर किया था कौन सा कपड़ा चाहिए, कपड़े का बहुत सारा बिजनेस है। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत मदद करने वाली है। बिजनेस यदि खोलना चाहते हैं कपड़े का, तो कपड़े आप लोगों को कहाँ से मिलने वाले हैं, इसके बारे में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं। पिछले हफ्ते में एक बंदे ने अभी कपड़े का फ़िलहाल अच्छा सा बिजनेस यानी छोटा मोटा स्टार्ट किया था, लेकिन उसका एक ही हफ्ते में बहुत तेज़ी के साथ इतना रफ्तार पकड़ा कि पैसा बहुत ज़्यादा कमाने लगा। ये बात सही है, आप लोग बिजनेस तो एक बार स्टार्ट तो कीजिए, वो चीज़ स्टार्ट करें जो अच्छा आप लोगों को फीलिंग हो, महसूस हो कि हाँ इसमें धंधा होगा, इसमें हमारा प्रॉफिट होगा। अगर आप 100 रुपये लगाते हैं तो उसमें सोचो कि हमें 800 रुपये मिलना चाहिए, वो कैसे मिलेगा हम आपको आगे वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं समय नहीं गवाता हूँ, आप लोगों को सीधे टॉपिक पे लेके चलता हूँ। आप लोग जो है कपड़े का धंधा करना चाहते हैं तो कीजिए, बहुत ही अच्छा है, बहुत अच्छा है। टी शर्ट का धंधा कीजिए, बहुत ज़बरदस्त है, ठीक है। प्रगति मैदान में जाइए दिल्ली पे, वहाँ पे जो है आप लोगों को थोक के भाव में मिल जाता है, और 30-40 रुपए में टी शर्ट पड़ते हैं, 30-40 रुपए में अंडरवियर पड़ते हैं, 30-40 रुपए में आपको हाफ पैंट भी मिलता है, 30-40 रुपए में 20 रुपए में बहुत सारे सामान मिलते हैं जो आप लोग पहनते हैं ना, बहुत सस्ते सस्ते मिल जाते हैं। तो आप लोगों को ये वाला धंधा ज़रूर करना चाहिए। मैंने उसमें पिछली वीडियो में जिक्र किया था, तो पूरा नहीं बताया, मैंने थोड़ा सा बताया था। तो इसमें जो है कपड़े के विषय में पूरा बताऊंगा कि आप लोग कैसे और किस तरीके से अच्छा खासा यानी एक कपड़े के पीछे 800-900 रुपए ले सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को ताजुब हो रहा होगा कि कपड़े में 100 रुपए के कपड़े में आप इतना पैसा कैसे बना सकते हो, बना सकते हो। उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा, उसमें थोड़ा कढ़ाई करनी होगी, उस कपड़े को जो प्लेन होगा उसमें थोड़ा कलर डालना पड़ेगा। कलर क्या, कलर यानी कलर, उसमें थोड़ा फूल बना दो, पेन बना दो, कुछ लिख दो। लिखने का भी मशीन आती है, जो छापने वाली मशीन होती है ना, बहुत ही ज़बरदस्त होती है, वही मशीन है। आप लोग उस मशीन को लेके आइए, 10 से 12 हज़ार रुपये में मशीन मिल जाएगी। आप जो है कपड़ा लेके आइए, प्लेन टी शर्ट लेके आइए, दिल्ली से उठाइए, थोक के भाव में आपको 30-40 रुपये में टी शर्ट मिल जाएगी, जो सड़कों पे 150 रुपये में मिलती है ना, कि कोई भी टी शर्ट लेके जाओ 150 रुपये में, तो वो 150 रुपये वाली ऐसे ही बनाई जाती है, ठीक है। वहाँ से 10-20 रुपये में प्लेन उठा के ले आते हैं, अपने पास एक छोटी सी 10-12 हज़ार की मशीन रखते हैं, और रात में उसे जो है प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट कर देते हैं, और सिलाई मशीन भी रखे होते हैं, उसमें थोड़ा सा कढ़ाई कर देते हैं, कुछ नाम डाल देते हैं, कुछ लिख देते हैं प्रिंटेड के साथ, उसमें थोड़ा सा कढ़ाई रहता है, यानी जैसे लोगो बनाने नहीं दिया जाता है, पोलो लॉज, यहाँ पर पोलो लिख दिया जाता है, तो पोलो एक ब्रांड हो जाता है, ठीक है। वैसे ही सेम कुछ स्टिकर के जैसे बना देना चाहिए, और उसमें जो है प्रिंटेड ना हो तो प्रिंट कर देना चाहिए। प्रिंटेड की मशीन जो है मार्केट में 10-12 हज़ार रुपये में प्रिंटेड मशीन मिल जाती है, आप लोग उस मशीन को लेके आइए, और बहुत सारा पैसा मिलेगा, इसमें बहुत ज़्यादा अर्निंग होगी दोस्तों। 100 रुपये का कपड़ा रहेगा, सॉरी 30-40 रुपये का कपड़ा रहेगा,
आप उसमें प्रिंट कर दोगे, प्रिंट करने की वजह से 200-300 रुपया और बढ़ गया है, ठीक है। आपको प्रिंट करने का जो मटेरियल लगता है वो बहुत कम लगता है और बहुत सस्ते में मिल जाता है। 40-50 रुपए का प्रिंटर का वो इंक मिल जाता है और उस इंक से जो है आप अच्छा सा काम कर सकते हैं। वो इंक जो है आप लोग जो यानी बॉक्स खरीदेंगे ना तो 300-400 रुपए में पूरा बॉक्स मिल जाता है, ठीक है। वो प्रिंट मशीन का बॉक्स थोड़ा अलग होता है और इंक भी मिलती है। इंक डाल दीजिए मशीन के अंदर, एकदम बस फर्स्ट क्लास बन के रेडी है मशीन। अब जो है उसमें प्रिंट करने की बारी आती है तो आप मशीन में सेट कर देना, ठीक है। उसमें ढेर सारा ऑप्शन भी आता है, एंड्रॉयड होती है ना, तो उसमें जो है आप कलर प्रिंट कौन सा प्रिंट करना चाहते हैं, नाम क्या लिखना चाहते हैं, नाम का अपने मोबाइल से कनेक्ट कर सकते हैं उसमें कौन सा प्रिंट लेना है, ठीक है। वो प्रिंट आपको आपके मशीन से उसमें कपड़े पे बढ़िया मस्त प्रिंट हो गए आ जाएगा, ठीक है। वो प्रिंट तैयार कर देता है और वहाँ पर लोगो छोटा सा बना दिया जाता है। लोगो बनाने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 10 मिनट के अंदर लोगो तैयार हो जाता है। कुछ भी लोगो बना दो चलेगा, राउंड कलर में बना दो, स्टार बना दो, सन बना दो और हार्ट भी बना दो। छोटा सा हार्ट बनाने का, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाने का, मैं ज़्यादा इन्वेस्ट वाला नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। कपड़ा प्लेन लेके आइए, उसमें थोड़ा अपने आप डिज़ाइन कीजिए, ठीक है। आप रखना 10-15 हज़ार का सामान अपने पास रखना चाहिए। जैसे कि स्टार्ट कर रहे हैं छोटा मोटा बिजनेस, उसमें फ़ायदा देखिए कितना होता, फ़ायदा इतना ज़्यादा होता है ना दोस्तों, आपको आप विश्वास नहीं करेंगे, बिलीव नहीं करेंगे। यही तरीका होता है काम करने का। जो प्लेन सामान लेके आते हो उसे थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ता है। मॉडिफाई करोगे तो अच्छा खासा पैसा अर्न होता है, ठीक है। आप दुकान पे जैसे देंगे तो दुकान वाला उसे आराम से 200-300 रुपए में ले लेगा, ठीक है। और वो दुकानदार बेचेगा कितने का पता है, 800-900 रुपए, 1200 रुपए। उसमें प्राइस लगा देना होता है, स्टिकर भी लगाने की मशीन होती है। नेक्स्ट वीडियो में स्टिकर लगाने वाली मशीन लेके आऊँगा और प्रिंटेड की मशीन एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। जो प्रिंटेड की मशीन होती है ना उसके बारे में मैं अलग से खुल के बताने वाला हूँ। तो वीडियो आपको ये पूरी देखना है कि हमें करना क्या है, उसमें बदलाव क्या करना है। जो प्लेन कपड़ा आप लेके आते हैं फैक्ट्री से या किसी दुकानदार से, कहीं से टी शर्ट उठाए, प्लेन टी शर्ट का रेट जो है थोक भाव में लेने जाओगे 40-30 रुपये पर पीस पड़ने वाले हैं। वहाँ से प्लेन टी शर्ट लेके आइए, उसमें कुछ बनाना हो, कुछ लिखा ना हो, आपको अपने मर्जी के अनुसार उस टी शर्ट में लिखना होगा, प्रिंट करना होगा। प्रिंट करने की मशीन मार्केट में ही मिल जाती है, मैंने अभी बताया। और उसे जब खरीदने जाओगे तो थोड़ा ध्यान रखना कि मशीन नई होनी चाहिए, पुरानी नहीं होनी चाहिए और उसकी कंडीशन ठीक हो, ठीक है। ताकि आप जब सामान लेके आओ, नया सामान होलसेल से मार्केट से खरीद के लेके आओगे, 30-40 रुपए के हिसाब से 5000 रुपए इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 5000 इसे इधर से और 15000-12000 की मशीन होनी चाहिए, उसके साथ साथ 2-3000 रुपए का सिलाई मशीन होना चाहिए जो कढ़ाई करती हो, ठीक है। कढ़ाई करने वाली मशीन लेके आना और उसमें जो है अच्छा खासा उसमें डिज़ाइन कर लोगे। एक दिन जाएगा भाई, एक दिन अपना प्रिंट करना और एक दिन जो है अपने टी शर्ट पे जो लोगो बनाना चाहते हैं, जो लिखना चाहते हैं वो लोगो बना सकते हैं, ठीक है। वो उस मशीन के ज़रिए यानी जो कढ़ाई करते हैं ना उसमें कुछ लिख सकते हैं। वो लिखने के बाद आपका मटेरियल एकदम रॉ मटेरियल जो है पक्का मटेरियल हो जाएगा भाई साहब, वो 1000-1200 रुपये में बिकने को तैयार हो जाएगा, ठीक है। आप लोग सोचिए, 30-40 रुपए का कपड़ा को 1200 रुपए तक पहुंचा रहे हैं और फ़ायदा कितना होगा बहुत जानते हो। आप एक छोटी सी दुकान कहीं ना कहीं अपने आसपास को ओपन करवा देना चाहिए, अपने ही आदमी को बिठा दो, वहाँ टी शर्ट ले जा के दे दो, वहाँ से आप टी शर्ट घर बैठे बनाएं और घर बैठे पैसा कमाएं। ये होता है तरीका, ठीक है। आप लोगों को तरीका नहीं मालूम है, मैं तरीका बताता रहता हूँ और आप लोग जो है उसे फॉलो करना। एक बार स्टार्ट तो करो यार, स्टार्ट करो, अच्छा खासा बिजनेस में फ़ायदा होने वाला है 101% भाई साहब, बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोग यही काम करते हैं, यानी प्लेन कपड़ा लेके आते हैं उसे मॉडिफाई करते हैं, मॉडिफाई करने का यही तरीका होता है,
प्रिंटेड मशीन रख लेते हैं, सिलाई मशीन रख लेते हैं, बस उसको कुछ नहीं करना होता है। और हाँ, स्टिकर लगाने का हो गया तो आप स्टिकर भी रख सकते हैं। रही पॉलीथीन बैग जो होता है वो ऑनलाइन जहाँ आप कपड़े खरीदने जाओगे वहाँ से पता कर सकते हैं कि हमें पॉलीथीन कहाँ से मिलेगी, आपको ढेर सारी मिल जाएगी, ठीक है। और अपना धीरे धीरे ब्रांड बढ़ाना है तो उसके अंदर जो है एक बड़ा सा कागज़ रख सकते हैं, ठीक है। उस कागज़ को उसके अंदर बढ़िया सा पैकिंग करके मस्त पैकिंग करो, उसमें स्टिकर लगाओ, सब कुछ, उसका रेट ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा भाई। टी शर्ट में जब स्टिकर लगा होगा और प्रिंट की हुई रहेगी और उसमें लोगो बन जाएगा, छोटा सा लिख दिया जाएगा, तो उसका रेट जो है 1200-1500 रुपए में चली जाती है, ठीक है। सिर्फ 30-40 रुपए का सामान होता है, आप 30-40 से स्टार्ट करो यार, बहुत ख़तरनाक जाने वाला है बिजनेस। आप लोग स्टार्ट करते हो, अगर मेरी बात से सहमत हैं मेरे दोस्त लोग, सहमत है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना भाई। जिसको जिसको धंधा करने का ज़रूरत है, कपड़े खोलने का बिजनेस, कपड़े वाला बिजनेस करना चाहते हैं, तो ये वीडियो उनको ज़रूर भेजना। आप अपने रिलेशन में भेज देना कि कैसे करना है धंधा, ठीक है। आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, 15 से 20 हज़ार इन्वेस्ट करो और मंथली कमाने का मैं दावा करता हूँ, 4 से 5 लाख रुपए दावा करता हूँ कि आप कमा लोगे। एक दिन में 10 कपड़ा जाता है ना, आप 1000 रुपये के हिसाब से भी बेचोगे तो भी आपका 10 हज़ार रुपये होता है, ठीक है। 10 कपड़ा 10 हज़ार रुपये। और अच्छा सा कोई और उसमें डिज़ाइन करना चाहते हैं, गेटिस वगैरह कुछ अलग बदलाव करना चाहते हैं, उसमें फूल वगैरह कुछ ना कुछ अलग बदलाव करके दे देना चाहिए, भाई साहब आपका ब्रांड बढ़ जाएगा। आप